आई बनाना देखेंगे आई लैशेस के साथ, तो अपन बहुत एकदम डिफिकल्टली स्टार्ट करेंगे, एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, मुझे देखते जाना ठीक है। फ्री हैंड बनाने की कोशिश करेंगे, एक इस तरीके बहुत ज़्यादा ही कर्व नहीं होना चाहिए कि एकदम उल्टा यू शेप सा बना दे, हल्का सा कर्व ठीक है, या आई की एक लेंथ ले लो, फिर एंड में जो जा रहा है ना कर्व से ऊपर की तरफ कर देना, ये जो आखिर के आई लैशेस होते हैं ये वो हो गए। यहीं पे टिप बनाओ अपनी आंखों की, देखो टिप फिर से वही बहुत चपटी या फिर एक लंबी सी या बहुत गंदी सी मत बना दे, ये टिप बनाई, इसके साथ फिर अपन ने ये आई का शेप बनाया ठीक है, और ये यहाँ लाके इधर जोड़ दिया अपन ने ओके। इसके बाद मैंने क्या बताया था, एक अंदर एक और ऐसे कर्व आएगा, ये जो नीचे वाले आई लैशेस होते हैं उनके लिए जो जगह रहती है ठीक है। तो ये फ्री हैंड अपन ने आई का एक रफ शेप बना दिया, अपन को अब क्या करना आई आयरिस बनानी है, तो आयरिस पे एकदम पूरे कोई सर्कल नहीं बनाना, यहाँ से एक कर्व आएगा ठीक है, थोड़ा एक गैप देना, कोई एकदम पतली सी मत बना देना, थोड़े एक मोटा रखना, ये एरिया थोड़ा बड़ा रखना, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, और ये एक कर्व आएगा ठीक है, इसके अंदर आयरिस अपनी पिपल आएगी अब ठीक है। इसके ऊपर फिर क्या रहते हैं कर्व्स रहते हैं ठीक है, जो आई के ऊपर वाले कर्व रहते ना उस तरीके से ये हल्के से ये ड्रॉ करें अपन ने, तो ये अपनी आई का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। आज अपन को शेडिंग के साथ भी देना है, इसलिए एक स्ट्रक्चर काफी है, अपन को बहुत ज्यादा इसे डार्क बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है, पहले इतना बनाओ। अब अपन ने इतना ड्रॉ कर लिया, तो अब लो 10B पेंसिल ठीक है, 10B पेंसिल ली, और ये जो अपना सेंटर वाला पार्ट है अपन ने इसे फिल करना स्टार्ट करा, ये भरना नहीं है कलरिंग की तरह, अपन इसे शेड कर रहे हैं, ये हिस्सा मैं शेड कर रहा हूँ, क्योंकि कलरिंग की तरह तो भरोगे तो ये बहुत गंदा लगता है, इसे शेड करो तो अच्छा सही आता है, नॉर्मल लाइट के अंदर शाइन मारेगा, और इसे ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ब्लेंड करना, ब्रश की मदद से नहीं, ये छोटे एरिया में आता है ठीक है। अब अपन को क्या करना, अपन ने HB पेंसिल ली, मैंने एक चीज सिखाई है कि डार्क टू लाइट शेड आना चाहिए, ग्रेडियंट शेड आता ना, तो अपन को ऊपर से नीचे डार्क टू लाइट लाना है, तो यहाँ से मैं HB करना स्टार्ट किया, यहाँ तक नॉर्मल HB आई सेंटर तक, अब यहाँ से HB जो है मेरी लाइट होना चालू हो गई, यहाँ तक धीरे धीरे नीचे आई, बस यहाँ खत्म, देख सकते हो डार्क टू लाइट, इसे मैंने ब्रश की मदद से ऊपर से नीचे ब्रश आया मेरा, और ब्रश ने इसे ब्लेंड कर, लेकिन अपन इतने पे नहीं रुके, अपन लेयर बाय लेयर करते हैं, लेयर बाय लेयर क्यों करते हैं, क्योंकि एक बार में सही नहीं आता, मुझे पता है कि 4B 6B तक जाना है, उसके बाद 8B से और चीजें देनी है, मैकेनिकल पेंसिल से करना है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि लेयर बाय लेयर से बहुत अच्छा इफेक्ट। इसके बाद ली मैंने 4B पेंसिल, 4B HB मैंने यहां सेंटर तक चलाई थी, 4B थोड़ा ऊपर होगी उससे ठीक है, 4B को मैंने नॉर्मली 4B जैसे यूज करते हैं, ये है अब यहाँ से मैं लाइट होना चालू हुआ और लाइट हुआ, और यहाँ पे आते आते रुक गया, एकदम नीचे नहीं लाया मैं बेस तक ठीक है, बहुत बाहर नहीं जाना चाहिए, हल्का बाहर जा रहा है तो अपन उसे इरेज कर सकते हैं, बहुत बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर से डायरेक्ट ऐसे ब्रश की मदद से ऊपर डार्क टू लाइट करते करते ले आओ। इसके बाद क्या यूज करना, इसके बाद यूज करना है 8B पेंसिल, HB यहाँ तक था, 4B यहाँ तक रहेगा, 8B इससे और ऊपर रहेगा, 8B से फिर ऊपर का जो जिस्ट है ना एक यहाँ रहेगा 8B, जैसे ही आयरिस को टच करा आई बॉल को अपने, ये नीचे आते आते लाइट होना चालू हो गया, कि वन ऑफ द मेनी वेज है आयरिस को शेड करने के, ये जो ग्रेडियंट मेथड रहता है अपना, अपन ये वो देख रहे हैं ठीक है, इसे भी ब्रश से करो ब्लेंड, ब्रश से ब्लेंड करने के बाद अपन इसे 8B पेंसिल की मदद से जो बॉर्डर है इसकी है, हल्का हल्का ये बॉर्डर शेड करो, ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ये मैं पेंसिल को शेड की तरह यूज कर रहा हूँ, मैं उस एरिया को शेड कर रहा हूँ, ये सर्कल जो अपना ओवल जो आ रहा है ना ये शेप, इसको मैंने शेड किया ठीक है, और फिर मैंने इसको ब्लेंडिंग में, इसको फिर ऊपर वाला जो एरिया है ब्लेंडिंग स्टोन की, ब्लेंडिंग स्टोन को ऐसे सर्कुलर चलाओ ऊपर वाले एरिया में ठीक है, ऐसे सर्कुलर चलाते चलाते थोड़ा यहाँ लाए, सर्कुलर चलाते चलाते थोड़ा नीचे लाए, इस तरीके
तरीके से अपनी पहली लेयर एक बेसिक शेड हो जाता है। करो इतना। अब अपन को नॉर्मली एचबी पेंसिल लो, एचबी पेंसिल, ठीक है, ये रही अपनी एचबी पेंसिल, इसको इस तरीके से शार्प कर लो। अब इसके आसपास शेड करना, तो शेड करने के असल में बहुत तरीके होते हैं। या तो अपन इसे कोई एक ही डायरेक्शन में करते रहो, सर्कुलर करो, तो मेरा बेस्ट तरीका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लो, हॉरिजॉन्टल से ओवल्स बनाते रहो। अब एक बार एक गलती तुम लोग क्या करोगे, तुम ऐसे लाइंस बनाओगे, ये होगी तुम्हें शेड, वो नहीं चाहिए। अपन को क्या चाहिए, कॉन्स्टेंट शेडिंग चाहिए एक ही प्रेशर के साथ। ऐसा नहीं कि आंखों की टिप पे ज्यादा प्रेशर है, सेंटर पे कम है और पीछे एकदम ही लाइट दिख रहा है। मैंने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पकड़ ली, उसे धीरे धीरे मैं पूरे में करूंगा, तो उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि अपन ने कहीं ब्रेक लिया ही नहीं है। अगर मैं ये देखो ब्रेक आया ना, अगर मैं यहाँ दोबारा ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ से ऐसे ही लगेगा कि कभी ब्रेक टूटा ही नहीं था कुछ। शेडिंग यहाँ पे भी सेम तरीके से, यहाँ पे भी सेम तरीके से, प्रेशर सेम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, कुछ वर्टिकल भी कर सकते हो, ठीक है। पेंसिल को मैं यहाँ पकड़ा हूँ एकदम पीछे और एकदम लिटा के रखा हूँ पेंसिल ये पूरी, तभी तो मैंने बोला एकदम टिप निकाल लो, तो उससे क्या रहता है शेडिंग बहुत स्मूथ होती है। आई के बाहर ही करना है अपन को, ये अपन ने आई के इस एरिया में कर लिया। अब इस तरीके से करते करते थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, बहुत ऊपर नहीं ले जाओ, ठीक है, अभी सिर्फ इतना ऊपर ले जाओ, बहुत ज्यादा राइट और बहुत ज्यादा लेफ्ट भी नहीं ले जाना अपन को। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे अपन ने ऊपर किया वैसे ही अपन को नीचे भी करना है थोड़ा, तो अपन इसको नीचे करते जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने पूरा एक एरिया शेड कर दिया। गलती क्या करोगे, जैसे तुमने ब्रेक लगाया यहाँ पे एक बार भी लेफ्ट राइट पूरा तो ले जा नहीं सकते, तो बीच में बहुत डार्क लाइंस दिखेंगी, तो हो उधर उस लाइन को टच करने से पहले ही वापस कर लेना, ताकि ये जो बाद लाइंस आती है ना ये बहुत ज्यादा डार्क ना आ जाए, क्योंकि इतनी तो लाइंस नॉर्मली चलती है, ठीक है, इतना तो अपन नॉर्मली उसे शेड करके ब्लेंड करके हटा सकते हैं। तो ये अपन ने एरिया अपनी एचबी पेंसिल से शेड कर लिया। इतना करो, ब्लेंड करने के लिए कॉटन लिया अपन ने, कॉटन की वैसे पतला सा बेस बना ले, फ्लैट बेस बना लो, जैसे टिप पर यहाँ से पकड़ने के लिए पीछे टिप होनी चाहिए और फिर पीछे फ्लैट बेस होना चाहिए, ठीक है। अब अपन को क्या करना, सर्कुलर चलाना, अपन ऐसे खींच नहीं सकते, ठीक है, तो अपन ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाएंगे। अपन चाहते हैं कि स्मूथ शेडिंग हो, ठीक है, स्मूथ शेडिंग के बाद एक स्मूथ ब्लेंडिंग हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ घिसोगे तो प्रॉब्लम है, आराम से एक स्मूथ प्रेशर के साथ भी करोगे तो कोई कॉटन से ब्लेंड करना कोई मुश्किल काम नहीं होता कि बहुत घिस रहे हैं अपन। आराम आराम से कॉटन चलाते जाओ, ठीक है, ये हिस्सा अपना स्मूथली ब्लेंड हो गया। फिर इस देखो कॉटन नहीं है, कॉटन अगर अपन जो छोटी आई बना रहे होते तो अपन ब्रश का फ्लो क्या रहता, ब्रश का फ्लो रहता पहले आई के ऊपर, ठीक है, ऐसे कर्व में, फिर आई के नीचे ऐसे कर्व में, फिर आसपास का जो एरिया रहता वहाँ पे मैं ब्रश सर्कुलर चलाता, क्योंकि सर्कुलर चलाने से बेस्ट रहता है, बहुत जल्दी ब्लेंड होता है और बहुत आसानी से ब्लेंड होता है, ठीक है। तो ये अपन ने आई के आसपास एचबी से ब्लेंड कर लिया, इतना करो। अब अपन ने इतना बनाया था, आसपास का एरिया ब्लेंड हो जाता है, तो मैकेनिकल पेंसिल ली अपन ने, इस तरीके से जो आई का शेप है ये दोबारा देना चालू करते हैं अपन, ठीक है। टिप बहुत ज़्यादा ऐसे मन डार्क कर देना, जो नीचे वाला कर्व है इसे आराम हल्का हल्का ही आउटलाइन देते हैं, ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क आउटलाइन नहीं देते। फिर इसके ऊपर जो ये था इसे शेड करते हैं अपन, रेदर देन एक लाइन बनाने के ये एरिया है अपन मैकेनिकल पेंसिल की मदद से शेड करते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या है, आई बना ली, ठीक है, आई के आसपास शेड कर लिया। अब एक चीज़ बचती है आई लैशेस, तो आई लैशेस अपन हेयर एंड हेयर अपन स्केच में जब बनाते हैं तो डार्क ही रहते हैं, डार्क अपन 10B से बनाते हैं 8B से,
लेकिन अपन डायरेक्ट 10 भी 8 भी पे नहीं उचकते। अपन पहले हल्के से आराम आराम से मैकेनिकल पेंसिल से बनाते हैं। ओके, अब हेयर्स जो हैं एकदम टिप से चालू नहीं होते, यहाँ से होते हैं। तो मुझे देखो, ठीक है, मैकेनिकल पेंसिल को ऐसे बहुत ज़्यादा टिप आगे मत करना ना, टूट जाएगी। तो अपन को क्या करना है, अपन को इस तरीके से सेंटर में ऊपर की तरफ होंगे, तो यहाँ एक स्ट्रोक ऐसे एक साथ नहीं, एक एक करके नहीं बना रहा हूँ, मेरे हाथ देखो ऐसे एक कर, एक बार में चार पांच निकल रहे, फिर ये क्रॉस कर रहे एक दूसरे को, ये दो डायरेक्शन में जाते हैं, एक लेफ्ट फेसिंग रहता है ये, और उसी जगह से एक और निकलते हैं राइट फेसिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये बड़ा रहता है, जो राइट साइड जाते हैं वो बड़े होते जाते हैं, जो लेफ्ट साइड जाते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। तो हल्का हल्का थोड़े गैप के साथ ये बनाया मैंने, ठीक है, फिर हल्का हल्का एक गैप के साथ ये बनाए, नीचे से थोड़े कर्व होते हुए आ रहे हैं हल्के से, फिर हल्के से गैप के साथ थोड़े ये बनाए। ज़रूरी नहीं कि तीन के पेयर हों, हो सकता है चार पांच के हों, छः सात के, लेकिन वैसे भरे हुए से नहीं लगने चाहिए, एकदम खाली, उनके बीच में जो स्पेस होती है, एंड में जाते जाते थोड़े थोड़े छोटे होते जा रहे हैं। देखो मैंने प्रैक्टिस करने दी थी कि हर तरीके के करना है, थोड़े बड़े भी बनाओ ताकि हाथ फ्री हों, थोड़े छोटे बनाओ ताकि कंट्रोल आए। तो इस तरीके से लाइटली ड्रॉ किया है मैंने अभी। अब देखो ये सेंटर पे था, थोड़े एक और जैसे जैसे राइट पे जाएगा इसका डायरेक्शन इधर पे होता जाएगा। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मेरे को एक आइडिया रहे कि मेरे को आखिरी वाले आईलैशेस थोड़े इस तरीके के आने चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि एंड में जाते जाते धीरे धीरे थोड़े बड़े होते जाएंगे। तो ये अब देखो डायरेक्शन लेना चालू किया, मैं बहुत डार्क नहीं बना रहा हूँ अभी से, ओके, ये डायरेक्शन आने चालू हुई, थोड़े लंबे होना चालू हो गए एंड के, जो थोड़े से रहते हैं ना ये चार पांच इस साइड, चार पांच इस साइड थोड़े लंबे ही रहते हैं। ये आया, ठीक है, तो ये देख सकते हो अपन ने इस तरीके से आईलैशेस जो है वो बना लिए ऊपर वाले, ठीक है, इतना बनाओ। नीचे वाले आईलैशेस बनाना अब बहुत हार्ड नहीं है, ऊपर वाले तो अपन को ऐसे बहुत डेंस बनाने पड़ते हैं, नीचे वाले नहीं होते। तो नीचे वाले अपन सेंटर से स्टार्ट करते हैं, तो एक ये कर्व आया, ठीक है, एक ये कर्व ने उसे क्रॉस करा और एक कर्व उनके बीच से निकला, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर एक ऐसे सिंगल सा एक कर्व छूट गया, ठीक है, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक कर्व आया, एक कर्व ने उसे क्रॉस करा और एक उनके बीच से निकला। देखिए धीरे धीरे ये आगे जाते जाते छोटे होते जाएंगे। एक कर्व आया, एक कर्व ने उसे क्रॉस करा और एक उनके बीच से निकल गया, लेकिन ये उससे छोटा था। बीच में एक आते ऐसे सिंगल सा कर्व आ गए, फिर हो सकता एक दो, फिर से तीन, फिर ऐसे छोटे से कर्व आ गए, फिर आगे की तरफ, फिर बस यहाँ आगे तक नहीं ले जाना, ऐसे छोटे से स्टार्ट करना है अपन को। फिर राइट साइड इसमें भरना नहीं है अपन को, थोड़ा बीच में गैप चलता है, ऐसे बाहर की तरफ गिरते हुए स्ट्रेट लाइन कोई नहीं बनाएगा, ऐसे थोड़े उठाओ हल्के से नीचे की तरफ कर, फिर ये कर्व ने ऐसे क्रॉस करा, फिर सेंटर से निकला, फिर ऐसे एक और कर्व, डायरेक्शन देखना ही नीचे की तरफ, ये थोड़ा राइट साइड की तरफ दिखेगा, इसका एरो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो धीरे धीरे उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे अपन, ये इधर देखो थोड़े बड़े होने लगे एंड वाले, एक आध दो, एक आध सिंगल सिंगल रहेगा बीच में, ठीक है, हो सकता है ये सिंगल ही जाए एक। तो इस तरीके से बाहर की तरफ ये कर्व, ठीक है, इस तरीके से नीचे वाले आईलैशेस बन जाते हैं, ठीक है, इतना बनाओ। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, इतनी की प्रैक्टिस करो पहले, ये एक बेस लेयर टाइप समझो, ओके, पहले इतना एक बेस लेयर टाइप समझो, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। इतने की प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स करो, आईलैशेस सही आने चाहिए, ठीक है।